हेलो एवरीवन, आई एम राजेश प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक सैमसंग का नया फ़ोन परचेज़ किया है जो कि है सैमसंग का S9। काफ़ी बेहतरीन फ़ोन है ये और एक तरह से देखा जाता है प्रीमियम फ़ोन माना जाता है सैमसंग का। और इससे पहले मेरे पास था सैमसंग का S8 और जो कि वो भी काफ़ी अच्छा है। इस फ़ोन की जो सबसे ज़्यादा अच्छी बात लगी कि ये वाटरप्रूफ है, और दूसरी चीज़ है कि इसके अंदर आयरिस स्कैनर है, और तीसरी चीज़ है इसकी डिस्प्ले इसकी मुझे काफ़ी अच्छी लगती है सैमसंग के एस सीरीज़ की। और सो दैट्स वाई मैंने इसको परचेज़ किया है। और एक चीज़ और है कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसको यूट्यूब के मनी से परचेज़ किया है या फिर मैंने आपके खुद के पैसों से। तो उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इसके कुछ सिनेमेटिक शॉट्स और इसकी अनबॉक्सिंग। और तो चलिए अनबॉक्स करते हैं अपने नए सैमसंग गैलेक्सी S9 को, जो कि आता है सुपर स्पीड डुअल पिक्सल के साथ, सुपर स्लोमो है, 8 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस सेल्फी कैमरा है, और IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है। इसमें आयरिस स्कैनर है, 4 GB रैम है, 64 GB इंटरनल मेमोरी है। और एक चीज़ और अच्छी इसके अंदर है कि इसके अंदर वायरलेस चार्जिंग है और ईयरफोन है 1 kg के। तो इसकी जो डिस्प्ले साइज है वो 5.8 इंच है, क्वाड HD सुपर एमोलेड। तो चलिए फिर इसको खोल के और देखते हैं, अनबॉक्स करते हैं। ओके, ये इस तरीके से खुलेगा। और इसके अंदर ये है, यहाँ से आपको और ये सैमसंग का S9। और इसके अंदर है, ये सैमसंग का S9 है, इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल है ये रहा। और इसके अंदर और क्विक स्टार्ट गाइड है, और साथ में है इसका ये बैक कवर S9 का। और ये रहा फ़ोन, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और इसके अंदर क्या क्या मिलता है वो दिखाता हूँ मैं आपको चीज़ें। इसके अंदर है एक ये टाइप सी अडैप्टर है, और ये है चार्जर जो कि फास्ट चार्जर है, 15 वॉट का अडैप्टिव फास्ट चार्जर। और इसके साथ अलावा है इसके अंदर ये ईयरफोन है 1 kg के, और इसके अलावा ये है चार्जिंग केबल, और इसके अलावा ये एक्स्ट्रा आपको ईयरपोड्स दिए गए हैं और ईयरफोन के लिए ईयरबड्स दिए गए सॉरी। और तो चलिए इसको थोड़ा साइड में करते हैं। और ये रहा फ़ोन हालांकि काफ़ी अच्छा लगा ये। मैंने जो ऑर्डर किया था वो ब्लू कलर का 64 GB वेरियंट है, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन बना रखा है इसका। तो चलिए इसको ऑन करते हैं और मैं दिखाता हूँ कैसा है ये फ़ोन। बूट करते हैं इसको, फर्स्ट बूट, सैमसंग गैलेक्सी S9 सिक्योर्ड बाय नॉक्स। हालांकि इसके अंदर कुछ चीज़ें बता दूं, और राइट साइड में ये पावर बटन दिया गया है, और ऊपर की तरफ ये सिम ट्रे है, यहाँ पे एक माइक है, और ये है वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, और ये जो है ये बिक्सली का बटन है, और इसके नीचे क्या है, ये जो है टाइप सी पोर्ट दिया गया है, और ये है माइक्रोफोन जैक, और ये है स्पीकर, यहाँ पे भी माइक दिया गया है। और काफ़ी अच्छा फ़ोन है। लेट्स गो यूनाइटेड किंगडम, इसको हम करते हैं ओके। आगे सिम कार्ड इसके अंदर डालना पड़ेगा तब जाके होगा, या फिर ऑल द नेक्स्ट हाउ डू वांट टू स्किप दिस फॉर नाउ, नेक्स्ट जस्ट अ सेकंड, एक्सेप्ट नॉट नाउ, स्किप एनीवे। अभी फ़िलहाल मैं सिर्फ ओनली आपको फ़ोन खोल के दिखा रहा हूँ कैसा है, स्किप कर इसको।
स्किप, सारी चीज़ों को मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, बाद में इसको किया जाएगा। ऑल डन। मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसको, फ़ोन को जो मैंने परचेज़ किया है, इसे मैंने परचेज़ किया है खुद के पैसों से, क्योंकि फ़िलहाल YouTube से मेरी अभी इतनी अर्निंग नहीं हो पा रही है कि मैं S9 खरीद सकूँ। और क्योंकि इसकी जो कॉस्ट पड़ी अप्रोक्स 36,000 के आसपास मुझे इसकी कॉस्ट पड़ी, काफ़ी कॉस्टली, थोड़ा कॉस्टली फ़ोन है। इसके अलावा मैं प्लान कर रहा था iPhone 11 के लिए, बट वो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो रहा था, सो फिर मैंने S9 परचेज़ किया। हालांकि ये भी फ़ोन काफ़ी अच्छा स्लिम है, 5.8 इंच की इसकी डिस्प्ले है, वाटर रेजिस्टेंस है। और क्योंकि क्या होता है कि कहीं ट्रैवलिंग में होता हूँ या बाहर रहता हूँ तो बारिश वगैरह होती रहती है, तो उस केस में मेरे को फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये मिलेगा कि पानी से मेरा फ़ोन जो है बचा रहेगा। और इसकी दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी, इसका डिस्प्ले का साइज़। आजकल जो मोस्टली जो फ़ोन जितने भी आ रहे हैं, क्या आ रहा है कि 6.3 इंच, 6.4 इंच या फिर 6.7 इंच के बड़े बड़े डिस्प्ले वाले फ़ोन आ रहे हैं, तो क्या है कि मुझे पॉकेट में रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो ये जो साइज़ है 5.8 इंच मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। सो इसलिए सबसे बड़ा रीज़न था इसको खरीदने का, इसका साइज़, और दूसरी चीज़ है इसका वाटर रेजिस्टेंस होना, और तीसरी चीज़ इसका कैमरे क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छी स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड करता है ये, और ये सब चीज़ें थी। तो आई होप कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।